नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मुगलाई पराठा की रेसिपी सारे टिप्स के साथ, जो मुगलाई पराठा परफेक्ट बनने में हेल्प होगी। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ली है मैंने एक कटोरी मैदा और सेम कटोरी से मैंने ली है आधा कटोरी गेहूं का आटा। मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच रिफाइंड तेल। अब हम इन सबको अच्छे से मसल लेंगे, मिक्स करेंगे मसलते हुए। मैंने यहाँ पे लिए पानी, पानी ज़रूरत के हिसाब से ले, जितना डो बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। डो हमारा बन चुका है, मैं ऊपर से 1 चम्मच तेल डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज को प्याज को काट लिए थे, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने चॉप कर ली थी, धनिया, हरा धनिया। मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, चाट मसाला 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच गरम मसाला, और मैंने ली है 2 अंडा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं एक फोक की मदद से। चाट मसाला और गरम मसाला डालने से पराठा थोड़ा स्वादिष्ट बनता है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। लोइया, 4 लोइया बनके तैयार है। अब मैं इसको बेल लूँगी। बेलने के लिए मैंने चकला ली है, चकला बेलन, और चकला में मैंने ऊपर से ये सूखा आटा लगाई है और डो को रख दी है, डो ने लोई को, सॉरी, लोई को रखने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा के मैंने बेल ली है। मैं सारे रोटी को बेल कर रख दूँगी। रोटी हमें थोड़ा बड़ा साइज का लेना है। मैंने यहाँ पे एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिए, तवे में मैं ऐड कर रही हूँ घी। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं एक प्लेट में ले रही हूँ एक रोटी, और इसके सेंटर में हम डाल देंगे ये मिक्सचर। मिक्सचर हमें बिल्कुल सेंटर में डालना है और चारों तरफ से अच्छे से इसको मोड़ देना है, नहीं तो ये अंडा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बाहर निकलेगा तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें अच्छे से इसको मोड़ लेना है, और ये उठाते समय बहुत ही आराम से इसको उठाना है, नहीं तो अंडा बाहर निकल जाता है। और मैं इसको पलट के तेल में डाल दूँगी। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, गर्म तेल ले लिए तो ये बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से अंडा कच्चा रह जाएगा, तो पराठा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करना है। मैंने इसको 2 मिनट तक पका ली है, अब मैं इसको पलट देती हूँ। इसी तरह से पलट कर 2-2 मिनट तक पका के मैं इसको सेक लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरह से ये पक रहा है। पहले पराठा डालते समय जिस साइड में आप फूल करते उसी साइड को आप नीचे करके डालें, नहीं तो अंडा बाहर निकल सकता है। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है एक साइड से, मैं दूसरे साइड से भी सेक लूँगी। पराठा अच्छे से सेक चुका है, मैं इसको निकाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारे पराठा बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं, बहुत ही परफेक्ट बनेगा।
मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर ली है और मैं एक पिज्जा कटर से इसको काट रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।